बात करेंगे पांच आसान सी एक्सरसाइज जो आप घर पे आराम से तसल्ली से कर सकते हैं और उसके लिए आपको जिम भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो इक्विपमेंट्स जरूरत होती हैं एक्सरसाइज के लिए वो भी नहीं चाहिए। अब इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और साथ में जो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक जो पेज है अगर आप लोगों ने हमें वहां पे फॉलो और लाइक नहीं किया हुआ तो आप लोग हमें वहां पे भी लाजमी लाइक करें और फॉलो करें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जरूर मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि पांच ऐसी आसान सी एक्सरसाइज जो कि आप 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक अगर घर में अपने जो है करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टोटल आपका जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन रहेगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी जो है हेल्दी रहेगा, आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। अगर आपको जो है जो इसके अलावा जो आपको हेल्थ के इश्यूज होते हैं वो भी ऐसा ऐसा रिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है कि वॉक के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो वॉक है हम चाहते हैं कि वॉक या जॉगिंग के लिए हमें जो है ट्रैक चाहिए, हमें जो है कुछ अच्छी जगह चाहिए और उसके लिए जो है हमें बाहर जाना पड़ता है। तो आप लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बाहर जाके ही वॉक करें या जॉगिंग करें ट्रैक्स के ऊपर ही, आप लोग अपने घर के अंदर भी अपने इवन रूम के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि जो जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी जो है गैलरी है, रूम है, जितना भी जो है जगह है, आप वहां पे वॉक करेंगे लेकिन 10 मिनट की वॉक करेंगे। 10 मिनट मुसलसल आपने जो है चलते रहना है, जॉगिंग भी करनी है तो आप लोग जो है 10 मिनट जो है मुसलसल जॉग करते रहेंगे घर के अंदर अपने जो है जहां पे भी आप हैं वहां पे। इसके अलावा जो है आप इसके साथ साथ जो है दूसरे नंबर पर जो आती है हमारे पास, आप लोग जो है प्लैंक्स करेंगे। प्लैंक्स की जो पिक्चर है मैं साथ में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख के कर सकते हैं। इसका जो टाइम है आप लोगों ने इस पोजीशन को मेंटेन रखना है, इस पोजीशन को मेंटेन जो रखना है वो आपने शुरू में तकरीबन जो है 5 जो सेकंड्स है उसके लिए मेंटेन रखना है, फिर ऐसा ऐसा आपने इसको बढ़ाना है, फिर 10 सेकंड्स, फिर इस तरह से 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और इस तरह से जो है आपने बढ़ाते बढ़ाते इसको 1 मिनट तक लेके जाना है। आप लोग जो है इस तरह से अब जब शुरू करेंगे तो 5-5 सेकंड के लिए जो है आप 3-4 सेट या 5 सेट लगाएंगे और इस तरह से जो है आपका प्लैंक का जो सेट है या प्लैंक की जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कोर के जो मसल्स होते हैं आपके, इवन आपके जो एब्डोमेन के मसल्स हैं और पूरे बॉडी के जो मसल्स हैं उसके ऊपर जो है हिट करती है और उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी शेप है वो जो है मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स जो है आप डेली इसके जो है 3 सेट करेंगे जिसके अंदर आप जो है 8-15 जो रेपिटेशंस हैं वो रखेंगे। शुरू में आप 8 रेपिटेशंस रखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते इसको जो है 15 रेपिटेशंस तक ले जाएंगे और 3 सेट करेंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो हमारे पास एक्सरसाइज आती है उसके अंदर आप लोग जो है पुशअप्स करेंगे। पुशअप्स के भी आप लोगों ने 3 सेट करने हैं और इसके अलावा जो पुशअप स्टार्ट करने हैं वो आपने 6 से स्टार्ट करना है और इसको 12 तक ले जाना है। शुरू में आप 6 से स्टार्ट करेंगे इसकी रेपिटेशंस और ऐसे ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जो है इसकी रेपिटेशंस को आप 12 तक ले जाएंगे और इसके जो सेट हैं वो आप 3 लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और एक्सरसाइज इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि आप लोगों ने जो है जब आप वॉक कर रहे होंगे तो वॉक के बाद जो है आपने 10 मिनट की वॉक के बाद जो है स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है। आपके घर के अंदर सीढ़ियां हैं, 2 सीढ़ियां हैं, 3 सीढ़ियां हैं, स्टेप है, 1 स्टेप है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने जो है उसके ऊपर जो है क्लाइंब करना है और वापस आना है। इस तरह से जो है आपने सीढ़ियां चढ़नी है और उतरनी है। तो आप लोग जो है ये करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए सिर्फ। तो अगर आप लोग जो है इसको जो है रेगुलर करते हैं और एक के बाद दूसरी एक्सरसाइज इसके अंदर जो है आप लोग जो है अगर ब्रीथ करते हैं या फिर जो है रेस्ट करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कम रखेंगे। ठीक है, आप 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए सिर्फ जो है अपना जो है ब्रीथ करें और उसके बाद जो आपका जो रेस्ट है वो करें और उसके बाद दोबारा जो दूसरी एक्सरसाइज है उसी तरफ आ जाएं। आप ये एक्सरसाइज करेंगे इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी की जो शेप है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी और आप जो है घर के अंदर ही अपनी जो बॉडी का जो शेप है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं और अपनी जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।